मुहर्रम पर पीली कोठी वाले बाबा की दरगाह से उठी सवारी। मदन यादव के निधन के बाद उनके पुत्र को सवारी विरासत में मिली सवारी। पीली कोठी वाले बाबा हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कौमी एकता की मिसाल है। शहर में मुहर्रम पर बाबा की सबसे बड़ी सवारी निकलती है। इसकी खासियत यह है कि बाबा ने एक हिंदू परिवार पर अपनी विशेष रहमत बरसाई है। तहसीली के मदन यादव को अपने पिता स्वा जयराम यादव से बाबा की सवारी विरासत में मिली थी। अब मदन यादव का निधन होने के बाद सवारी मुहर्रम की 9 तारीख को पीली कोठी से उनके पुत्र के सिर पर उठी। वे झाड़फूंक से परहेज रखते हैं, कभी अपना दरबार नहीं लगाया, उनके पास जो भी आया उसे दरगाह भेजते हैं। इस परिवार द्वारा पिछले 76 वर्षों से सवारी निकाली जा रही है। पीली कोठी बाबा की सवारी आजादी के पहले 1942 सेकंड निकाली जा रही है। स्वा जयराम यादव का परिवार उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन पर बाबा की विशेष रहमत है। पीली कोठी ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि ऐसा सुनते आ रहे हैं कि पहले यह इलाका वीरान था। स्वा यादव यहां मवेशियों को चराने लाते थे। एक दिन बाबा के उन्हें दीदार हुए। मुहर्रम व इसकी पूर्व रात्रि यानी कत्ल की रात में सवारी गश्त की इजाजत दी। 1978 में यादव का निधन हो गया। उनके पुत्र मदन बाबा को सवारी आने लगी। इसके बाद वर्ष 2021 में मदन यादव का निधन हो गया तो उनके पुत्र पर बाबा की रहमत बरसी और पुत्र को 19 अगस्त यानी मुहर्रम की 09 तारीख को पीली कोठी वाले बाबा की सवारी उठी। पीली कोठी करीब 600 साल पुरानी है। पीली कोठी वाले बाबा का संबंध नागपुर से भी है। यहाँ के बाबा ताजुद्दीन औलिया बाबा के ही शागिर्द माने जाते हैं। स्टार न्यूज़ 24 के लिए मुबीन खान के साथ नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।